मुझे बहुत फख्र है ये खुशखबरी सुनाते हुए कि हमारे कबीले को रहने के लिए एक जमीन मिल गई है। महफूज है, उतनी महफूज जितना हम सोच सकते हैं। मुझे लगता है ये एक अच्छा आगाज है हमारे कबीले के लिए, लेकिन खुशहाली का ये सफर थोड़ा कठिन भी हो सकता है। जमीन के जरखेज होने के साथ साथ मुशरिकीन का एक ग्रोह भी बहुत करीब। बाकी रही बात मौत की वादी और ख्वाब की, तो जो कौम ख्वाब नहीं देखती वो कुछ पाती भी नहीं। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, तुम्हारी तरह अर्तुरुल भाई भी इश्क आशिकी के चक्कर में पड़ जाएंगे, इसका तो मैंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। इश्क पर किसी का जोर नहीं चलता, क्या पता तुम्हें भी कभी हो जाए। हम समझते हैं कि हमें कोई काबू नहीं कर सकता, लेकिन एक हसीन चेहरा सामने आता है और बेबस कर देता है। इसको बेबस करने के लिए हसीन चेहरा नहीं, बल्कि ऐसे दो मजबूत हाथ चाहिए जो सिर्फ मेरे पास है, इसके पास बिल्कुल नहीं। आखिर वही हुआ अर्तुरुल भाई, शायर कहता है ना, मैं आतिश इश्क में जल के राख हो गया हूं। क्या था और क्या हो गया हूं, इस इश्क में खाक हो गया हूं। चलता हूं भाई। तैयारी कर ली आपने? सिपाही हमेशा तैयार रहता है। ख्याल रखिएगा, मेरी दुआएं साथ हैं आपके, हर मुश्किल आसान हो आपकी, खैरियत से जाएं आप और खैरियत से वापस आएं, कामयाबी मुकद्दर हो आपका। और अब से ये जिंदगी अपनी आपकी अमानत समझकर गुजारूंगी, क्योंकि मैं जान गई हूं कि मेरा सब कुछ आप हैं। जिस जिंदगी को तुमने अमानत कहा उसमें कभी खयानत नहीं देखोगी तुम। ये बात हमें याद रखनी है कि मुकम्मल यकीन के बिना खुदा की मदद नहीं मिलती। हम मुसलमान हैं, मदद खुदा के बगैर ये किला फतह नहीं कर पाएंगे। ये जंग हमारी है, सब खुदा का नाम लो, फतह की नियत कर लो। ये रात बहुत भारी है, लेकिन हम में से हिम्मत कोई नहीं हारेगा। दुश्मन से ये जंग हम उस वक्त तक लड़ते रहेंगे जब तक कि हम में से एक शख्स उनको उनके अजायम में नाकाम ना बना दे। अल्लाह हू अकबर, अल्लाह हू अकबर। शहादत के जज्बे से सरशार एक सिपाही की सच्ची दास्तान।